गर्मी के मौसम में आइसक्रीम खाना सभी को पसंद है, पर क्या आपको पता है कि आपका फेवरेट आइसक्रीम कौन कैसे बनता है? तो चलिए देखते हैं। आइसक्रीम कौन बनाने की प्रोसेस में सबसे पहले आटे और शक्कर से बने कौन के अंदर चॉकलेट सिरप को स्प्रे किया जाता है, ताकि खाते वक्त ये कौन हमें क्रीमी और चॉकलेटी लगे। मशीन की हेल्प से ये कौन आगे बढ़ते हैं और इनमें आइसक्रीम भरी जाती है। मशीन में लगी यह नोजल कौन में आइसक्रीम भरने के साथ आइसक्रीम को एक फ्लावर जैसा शेप भी देती है। इसके बाद बारी आती है चॉकलेट की। मशीन में लगे नोजल आइसक्रीम पर चॉकलेट सिरप डालते हैं और यहाँ पर लगी एक मशीन में ड्राई फ्रूट को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है और इन टुकड़ों को चॉकलेट और आइसक्रीम से भरे हुए कॉर्न के ऊपर डाला जाता है। इन टेस्टी कॉर्न को चॉकलेट, आइसक्रीम और ड्राई फ्रूट से भर देने के बाद इस मशीन की हेल्प से कॉर्न के ऊपर गोल ढक्कन फिक्स कर दिए जाते हैं। अब बारी आती है इन कॉर्न्स को हार्ड टनल में शिफ्ट करने की, जहां इन कॉर्न्स को -35 डिग्री टेम्परेचर में 20 मिनट तक रखा जाता है। पूरी तरह से तैयार हो चुके ये टेस्टी कॉर्न्स पैकिंग के लिए भेज दिए जाते हैं, ताकि इन्हें हम तक पहुंचाया जा सके।